अच्छा बेसिकली चंदन एक फिल्म पहले की आवारा बलम कल्लू के साथ, फिर फिल्म कर रहे हैं बब्बर कल्लू के साथ, ये कल्लू दोबारा क्यों? दोबारा ही नहीं, तिबारा भी इसके बाद एक और फिल्म जा रहा हूँ करने जिसका नाम है प्रयागराज, उसमें भी कल्लू ही है। तो ये एक बॉन्डेशन है, अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों के बीच में, एक दूसरे को समझ पाते हैं ठीक से। जब स्क्रिप्ट शुरू करते हैं काम करने के लिए तो कल्लू का कंट्रीब्यूशन भी होता है, साथ में बैठ कर स्क्रिप्ट पे भी काम करता है, साथ में म्यूजिक पे बैठता है, तो वो एक अलग बॉन्डेशन है। और मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर और हीरो के बीच जब एक अंडरस्टैंडिंग होता है तो शायद फिल्में ज़्यादा बेहतर बनती है, तो वो कोशिश रहता है। बाकी तनुश्री जब मैं असिस्टेंट था तो उस समय से मेरी फ्रेंड है और मैं भी रिपीट हुई हूँ वैसे दो दो फिल्मों में इनके साथ। हमारा बल्ले भी यही जोड़ी थी और अभी बब्बर में भी सेम जोड़ी है, तो आगे भी और बनाते रहेंगे, फिल्में रेगुलर बन रही है अभी। तो आवारा बलम के बाद लगा कि वापस रिपीट करना चाहिए, तो बब्बर की और बब्बर का जो जिस कैनवास पे हमने शूट किया है बब्बर, तो मुझे लगा कि उसके बाद फिर वापस रिपीट करना चाहिए। तो दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है फिल्में, बब्बर इज़ बैक, और शायद इसका मैं आने वाले दिन में सिक्वल भी अनाउंस करूँगा, बब्बर इज़ बैक और बब्बर 3 एंड और ऑल दैट जो भी होगा। अक्षय कुमार साहब को सुना था गब्बर, गब्बर इज बैक, ठीक है, अब गब्बर के बाद बब्बर इज बैक, मतलब आप फिर से अक्षय कुमार साहब को भोजपुरी में ला रहे हो? एक्चुअली वो कैरेक्टर नहीं है, नहीं वो उस टाइटल से, इस टाइटल का कोई लेना देना है, वो एक अलग बैकड्रॉप की फिल्म थी, ये एक अलग बैकड्रॉप की फिल्म है। वो गब्बर इज बैक था, ये बब्बर है। बब्बर इज बैक मैं बाद में बनाऊंगा, इसका एक रिस्पॉन्स देख लूँ कि मार्केट में पब्लिक कितना पसंद करती है इस फिल्म को, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और पब्लिक अगर चाहेगी कि फिल्म बननी चाहिए वापस बब्बर इज बैक, तो बब्बर इज बैक वापस हम बनाएंगे। वैसे तो फिर आवारा बलम पार्ट 2 क्यों नहीं बनाएंगे? देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जिसके 2 नहीं बनाए जा सकते। आजकल बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही है भोजपुरी में जिसके 2 बनाए जा रहे हैं, इसलिए कि वो पिछली हिट रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो लोग फिल्में बना रहे हैं 2 और 3, तो कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जिसके 2 और 3 का कोई मतलब नहीं होता है। बब्बर एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके हम सीक्वल्स बना सकते हैं, भले फिल्म हिट हो या ना हो, फिल्म हिट होने के बाद ही, क्योंकि सीक्वल बनाना तब अच्छा लगता है जब फिल्में हिट होती है। तो फिल्म अगर लगेगा कि पब्लिक को पसंद आ रही है और पब्लिक को पसंद आई, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि इसका सीक्वल बना रहा। मुझे लगता है कि जो जिस कैनवास पर मैंने ये फिल्म शूट किया है, और एक अलग ही क्लास की फिल्म है, थ्रिलर भी है, मस्ती भी है, और एक अलग ही मिशन है फिल्म में हीरो का, तो वो एक जो कैरेक्टर हमने प्ले कराया है कल्लू से, तो वो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद भी आएगा, और वैसे कैरेक्टर्स को हम जोड़ कर सीक्वल बना सकते हैं फिल्म। तो कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जिसको जिसका सीक्वल बननी चाहिए, बट ठीक है अभी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है कि कुछ भी बना दो, अगर हिट है तो फिर उसका सीक्वल बना दो, टाइटल मैच करे नहीं मैच करे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तो वैसे आप क्या कहते हैं, आपको लगता है कि आवारा बलम ऐसी फिल्म थी जिसका पार्ट 2 नहीं बन सकता था? जैसे कि चंदन भैया ने बताया कि कोई टाइटल ऐसा होता है जिस पे शूट करता है 2, जैसे आवारा बलम, अब 2 क्या दिखाएंगे, आवारा बलम था बलम आवारा जो था बलम, फिर से आवारा बलम आवारा था वो बलम, वो फिर टाइटल को जस्टिफाई, टाइटल आवारा था वो बलम बन गया, अब खत्म हो गया। लेकिन बब्बर ऐसा क्लाइमेक्स देखेंगे जब, तो इस जगह पे छोड़ा गया है कि नहीं, अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर बब्बर आ सकते हैं, मतलब बब्बर इज बैक। क्यूरियोसिटी भी छोड़ी जा रही है, और जो कैरेक्टर है बेसिकली फिल्म में डिपेंड करता है, जैसे धूम बनी तो धूम में हमेशा एक चोर की कहानी रही है, तो हर बार चोर बदलता है लेकिन करता चोरी ही है, तो वो एक कैरेक्टर है। जैसे गोलमाल आप देख लो पूरा सीरीज, तो उसमें कॉमेडी की एक सीरीज है पूरी, वो उनका अलग अलग कैरेक्टर एक किरदार बनाया गया है, तो उस हिसाब से हर सिनेमा का अपना एक ग्राफ होता है। जैसे वो चुलबुल सलमान खान की फिल्म आई थी दबंग, दबंग 2 बनी, तो वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था उसका, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से 2 और 3 और सीक्वल्स बनते हैं, वैसे तो प्लॉट्स होते हैं। कब तक आप आएगी, मतलब जब आप बेसिकली जो फिल्म का क्लाइमेक्स आपने कहा कि देखोगे आप लोग, कम क्लाइमेक्स कब देख पाएंगे फिल्म का? पहले तो इसी महीने में आप लोग इसका पहला झलक देखेंगे, फर्स्ट लुक तो हम लोग पोस्टर लॉन्च किए हैं, लेकिन पहला झलक जो टीजर होगा या ट्रेलर होगा, टीजर, हाँ टीजर इसी महीने में जनवरी में 2019 में मेरा पहला टीजर लॉन्च होगा, और बहुत जल्द आप लोग के बीच डेट भी अनाउंस किया जाएगा। तो उम्मीद है कि बब्बर के फर्स्ट लुक से ही आप लोग का प्यार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तनुश्री जी, वैसे
चंदन उपाध्याय ने आपको क्या कहा बेसिकली कि भैया ये फिल्म करनी है तनुश्री जी, और आप तैयार हो गई बब्बर के बारे में जब आपको बताया? नहीं, आप जब ये असिस्ट करते थे, हमने इनकी पहली फिल्म की थी उस वक्त, इनके अंडर में काम करने का अलग ही मज़ा है। इनका जो टेस्ट है म्यूजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे, एंड यू ऑल नो दैट कि आवारा बल्लभ म्यूजिकली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो जब भी इनका ऑफर आया तो मैंने कुछ भी नहीं सुना, स्क्रिप्ट नहीं सुना, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई डेड बोलो मैं आ जाऊँगी, दैट्स इट। अच्छा, इतनी आसानी से तैयार हो गए? बहुत आसानी से। देखिए, बोलना नहीं चाहिए, सारे डायरेक्टर लोग अच्छे काम करते हैं, सारे लोग अच्छे हैं, किसी को पूरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चंदन उपाध्याय जी हमारे सर जो हैं, बड़े भैया, चंदन भैया हमेशा बोलता हूँ, आवारा बलम जब ये सुनाया तो मैंने बोला नहीं भैया हमसे कहाँ, इतना हार्ड कोर एक्शन होगा यार, मासूम सा बच्चे का जान लेगा, बोले कि तुम चलो तुम कोशिश करना। और उस दिन के बाद से मुझे ये पूरा 100 में 150% भरोसा रहता है कि चंदन भैया जब भी करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही फिल्म करेंगे। तो मैं भी बिना स्क्रिप्ट सुने ही बब्बर जैसे ही सुना तो एक लाइन बताए, मैंने बोला फाइनल कीजिए। तो ये एक इन पर पूरा भरोसा है, अगर कोई बीच गंगा में भी जाकर बोलेगा कि आपके साथ ऐसा नहीं वैसा करना है, तो मैं इनके साथ हमेशा रेडी। मतलब ये इनका विश्वास था कि कल्लू ये कैरेक्टर कर सकता है? हाँ, इसमें भी बहुत मेहनत करा है भैया, उसमें तो 12-13 दिन एक्शन करा है, धूल में लेटा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्शन करा है, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा और अलग तरीके से शूट किया है इन्होंने, तो उम्मीद है कि आप सबको जरूर पसंद आएगा। चंदन जी, वैसे आपके इस विश्वास में इनकी कोई हड्डी पसली, उंगली, मसल, जबड़ा कुछ तोड़ा? क्या है, हम मैं एक्टरों को बहुत जो भी काम कराता हूँ, हाँ ठीक है थोड़ा खतरा लेना पड़ता है, जो फिल्में मैं प्लान करता हूँ वो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर होता है और थोड़ा नया भी होता है, और एक्टर वही होता है जो सिनेमा के हिसाब से ढल जाए, और ये दोनों परफेक्ट ढलते हैं सिनेमा के हिसाब से, जो कैरेक्टर्स होता है उसको जस्टिफाइड करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं ये लोग, तो अच्छा भी लगता है। जब एक सिनेमा आवारा बलम जब मैंने शुरू किया था तो मुझे इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट लोगों ने बोला था कि तुमने कैरेक्टर गलत चुन लिया, हीरोज गलत चुन लिया, वो जस्टिफाइड नहीं कर सकता है, वो चॉकलेटी लड़का है, वो नाचने गाने वाला है, वो एक्शन नहीं कर पाता है। तो मैंने बोला मेरे पास तो बाकी कोई है नहीं, जो है यही है, अब जो करना होगा यही करेगा, देखते हैं क्या होता है। खैर, सेट पे जाने के बाद लोगों की जो धारणा थी कि नहीं कर सकता है तो वो बदला, और सेट से लोगों के पास फ़ोन पे फ़ोन गया कि अरे यार ये कितना बड़ा स्टार है कल्लू, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो एक्टर छुपा है वो मैंने आज देख लिया। तो ये मेरे लिए वो जो क्षण था वो बहुत अच्छा था कि चलो जो मैंने कैरेक्टर्स के लिए जिसको चुन के लाया था तो वो लोग अभी से पसंद करना शुरू किया। और आवारा बलम जब आया तो आप अभी भी देखिए यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बैड कमेंट किया होगा किसी चीज़ को लेके कि तुमने एक्ट अच्छा नहीं किया या फिर गाने अच्छे नहीं हैं या सिनेमा अच्छा नहीं है, तो अच्छा था। उसके बाद अभी जो बब्बर मैंने किया फिल्म, तो एक अलग ही कैनवास, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ क्लाइमेक्स के लिए 21 इनोवा मंगवाया था, उस दिन मैंने 5 कैमरे से शूट किया है पूरी फिल्म, तो एक अद्भुत क्लाइमेक्स आपको देखने पड़ेगा। दूसरा चीज़, रूटीन फिल्म नहीं है बब्बर, एक रूटीन नहीं है, वो अलग कैनवास की फिल्म है और अलग स्टाइल की फिल्म है, विलेन और हीरो की जो एक अलग ही कहानी है और उनका अलग जो झगड़ा है वो आप एकदम रोमांचित करने वाला है, लगेगा ही नहीं कि आपको फिल्म हम कहाँ लेके जा रहे हैं ऐसा। विलेन के बारे में थोड़ा सा, विलेन संजय जी हैं, संजय पांडे जी, और जब उनको मैंने कहानी सुनाई थी तो उन्होंने बोला कि यार तुमने कुछ नया ही अजूबा ही लिख दिया इस बार और अच्छा लगेगा करके। बेसिकली फ़ोन कट उनके ज़्यादा थे, फ़ोन कट और हीरो के बीच का जो बॉन्डेशन था वो फ़ोन कट पे पूरी पिक्चर है उनकी। जाइए, आता हूँ 5 मिनट का ब्रेक। तो इनका जो फ़ोन कट था वो बड़ा एकदम, इन दोनों के बीच का जो वो फ़ोन कट मैंने शूट करना शुरू किया तो संजय जी ने बोला कि मैंने फ़ोन कट तो बहुत शूट किया है लेकिन जिस स्टाइल से तुम फ़ोन कट शूट कर रहे हो और जितना बिल्डअप दे रहे हो वो शायद मैंने आज तक फ़ोन शूट नहीं किया है, तो एक अलग ही स्टाइल की फिल्म मैंने बनाई है इस बार बब्बर। बब्बर फरवरी लास्ट तक प्लान है, नहीं तो फरवरी मार्च में आएगी फिल्म, और बहुत जल्द मैं अभी ट्रेलर, इसी महीने में टीज़र और ट्रेलर आने वाला है मेरे फिल्म का, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले कल्लू जब फिल्म शूट करके आया था तो बीच में हम जो भी हमारा बाकी का काम था प्री प्रोडक्शन का और पोस्ट प्रोडक्शन का वो मैं कर रहा था, तो फिल्म थोड़ा सा वो होता क्या है कि एक एक्टर एक सेट से जाके दूसरे सेट पे जाता है तो थोड़ा वहाँ लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, तो पीछे वाली फिल्म उसको लगता है कि चलो वो ठीक है, भूल जाता है लोग। अचानक जो मैंने शूट किया हुआ था पहला शेड्यूल लखनऊ में तो वो यहाँ आके मैंने एडिट किया था, और एक दिन उसको बैठ के दिखा रहा था लैपटॉप पर, तो लैपटॉप पे देखा पिक्चर, उस दिन इसने कुछ नहीं बोला, दूसरा दिन बोला भैया एक बात, बोले क्या, बोला मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी फिल्म है,
मुझे चलो नॉर्मली फिल्म है, लेकिन मैं तो पागल हो गया साला कैरेक्टर देख के, और जो आपने फिल्म शूट किया और एडिट किया है, तो करते हैं जल्दी जितना जल्दी हो सकता है वो ट्रेलर लॉन्च करिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो एक अलग ही मतलब आपको दिखेगा फिल्म का पूरा नया कैनवास, और आपको भी दिखेगा, आप लोग भी फिल्में रोज आकलन करते हैं फिल्मों का और देखते हैं फिल्में, लेकिन ये वाकई में अलग फिल्म है। थैंक यू सर। थैंक यू।